नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, कढ़ी तो अनेकों तरीके से बनाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कढ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तड़के में लिया है एक छोटा चम्मच मेथी और एक छोटा चम्मच सरसों। मेथी और सरसों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चटकने देंगे। और ये देखिए, तड़का एकदम तैयार है। 12 से 15 लहसुन की कलियां को मैंने बारीक काट करके इसमें इसी समय डाल दिया और इसको भी इस तरह से चला देंगे। दोस्तों, मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट औरों को भी मिल सके। 4 से 5 सूखी मिर्च को आधा आधा तोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी इसी तरह से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो नहीं जाता है। तड़के में अच्छा सा कलर आ गया है। इसी समय एक बड़े प्याज को बारीक काट करके मैंने डाल दिया और इसको भी चला चला के भून लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो इस तरह से मैंने कड़ी पत्ता को पत्ता निकाल करके इसमें डाल दिया। प्याज में और लहसुन में अच्छा सा कलर आ गया है। आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हींग और इसको मिला देंगे इस तरह से। हींग डालने के बाद इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। सूखे मसाले में लिया है एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लेंगे इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाती हूं, तो आप मेरा रेसिपी देखने के बाद जरूर बताएं कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। 2 बड़े टमाटर को मैंने यहाँ पर बारीक काट करके डाल दिया और इसको लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे ताकि मसाले में टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। मैंने यहाँ पर दही का अच्छा से घोल बना लिया है और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। बेसन और दही का अच्छा से घोल बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सा घोल बन करके तैयार हो गया है। अब ये कढ़ी बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पर मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ी देर इसको और पकाना पड़ेगा। मसाला पक के तैयार हो गया है। जो बेसन का घोल मैंने बनाया था उसको इस समय डाल देंगे और डाल करके इसको इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और डालना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1 गिलास के करीब पानी इसमें मैंने और डाल दिया और ये देखिए, बढ़िया सा घोल बनके तैयार हो गया है। एक बार इसको बॉयल आने देंगे और फिर गैस के फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे। इसी तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि आपने इसको इस समय छोड़ दिया तो ये नीचे में बैठ जाएगा और बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से लगातार कढ़ी को चलाते रहना है। कढ़ी को लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, 20 मिनट के बाद कढ़ी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है।
गर्मा गर्म कढ़ी को चावल के साथ परोस सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी बन के तैयार हुई है। इस तरह से इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपका कढ़ी कैसा बना। अभी तक मेरा रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।